नमस्कार, मैं जकी मधुबनी, बिहार अपडेट, आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं अभी हूँ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के यहाँ। आप देख सकते हैं इनके घर पे हूँ मैं, और मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। चूँकि इनका टाइम फिक्स था, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं एक सवाल करना चाहूँगा धनेश्वर महतो जी। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब मधुबनी में पॉजिटिव मरीज कम थे तो पूरी तरह से लॉकडाउन किया हुआ था, घर लोग घर में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उसके बाद दुकानें सारी बंद थी। लेकिन अभी जब मरीज बढ़ता जा रहा है, सारी दुकानें खुल गई हैं, यातायात चालू है, ऐसा क्या है? भारत सरकार की और यूं कहे कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, प्लान चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए कि जब 100 कुछ मरीज थे तब लॉकडाउन कर दिया गया, और उस टाइम के अंदर एक हफ्ते के लिए यदि माननीय प्रधानमंत्री जी गाड़ी को चालू रखते तो हर व्यक्ति अपने अपने घरों को पहुंच जाता, तो ये आपको कुछ हजार में जाके कहानी खत्म हो जाती। लेकिन आज के टाइम में 140,000 कोरोना के मरीज हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जितने गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, इन सबको मारने का भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपकी पार्टी की तरफ से क्या रोल था? भारतीय मित्र पार्टी ही एक हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी है जिसने भारत सरकार के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया, उसके बाद देखा देखी हिंदुस्तान में किसी ने आवाज उठाया है। लेकिन जिस बुलंदी से हमने आम जनता की, गरीब जनता की आवाज उठाई है, वो भारत में कोई दूसरी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक नहीं उठाया है। नकल जरूर करते हैं हमारी, ये चीज आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जो बयान भारतीय मित्र पार्टी का रहेगा उसके अगले दिन दूसरे नेताओं को आपको वो बयान मिलेगा। अभी जो क्वारंटीन सेंटर में जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि जो वहाँ क्वारंटीन किए हुए लोग हैं, खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है, उनको इंतजाम, नाश्ता नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। क्यों ऐसा है? जो बिहार सरकार का पूरा ऐलान है कि खाने पीने की व्यवस्था दी जाए, उसे कपड़ा दिया जाए, टॉवेल दिया जाए, साबुन दिया जाए, सैनिटाइज दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, यदि शासक ईमानदार रहेगा तो ही प्रशासक आपको काम करेगा, प्रशासन, और जब शासक ही चोर बैठ जाएगा तो प्रशासन का यही हाल होगा। जब ऊपर के लीडर ही हमारे चोर बैठे हुए हैं तो नीचे स्तर के जो भी अभी पदाधिकारी हैं वो तो महा लुटेरा है, यानी के ऊपर से लेके नीचे तक एक चोरों का ग्रुप काम कर रहा है, भ्रष्टाचारियों का ग्रुप काम कर रहा है। भले ये लोग लाख दावा कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सरकार फंड देती है लेकिन उसमें बंटवारा सिर्फ करवाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि सरकारों को डर रहता है अधिकतर कहीं हमारी सत्ता तो नहीं चली जाएगी, इसलिए बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होता है। अब ये 20 लाख करोड़ का देखिए ना, किसी गरीब को 5 पैसा मिला है? मात्र 100 करोड़ की जरूरत थी भारत के एक एक नागरिक आपको अपने अपने घरों को पहुंच जाते। 8,000 करोड़ का विमान नरेंद्र मोदी जी अपना शौक पूरा करने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपया गरीब जनता पे नहीं खरीद, ये खर्च कर सकते हैं। 3,000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपया मात्र, 100 करोड़ रुपया मात्र सिर्फ ये खर्चा था, गरीब मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाते। लोग आज भूख से मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। रेलगाड़ी के अंदर कल ही 3 मरीज मरे हैं भूख से। आप ये सोच लीजिए कि जो ट्रेन की यात्रा 20 घंटे की है वो 3 दिन में पूरी हो रही है, और इस गर्मी के अंदर कहीं ट्रेन को रोका नहीं जा रहा, और वहां रोका जाता है जंगलों के अंदर जहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे आपको ये नहीं लग रहा
कि भारत सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब मजदूर यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा आसाम के ये अपने घरों को पहुंच सके। सर मैं अंतिम सवाल यह है कि मेरा कि बिहार सरकार कह रही है कि अप्रवासी जो भी हैं वो हमारे बिहार में आ जाए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे, खाने पीने का व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अप्रवासी जो भी यहाँ आए हैं वो काफी दिक्कत और परेशानी में है। कहीं ना कहीं इस पर सवाल के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हर पंचायती राज है, हर मुखिया को अच्छा फंड मिला है, 9 लाख या 13 लाख ऐसे ही फंड मिला है, एक बार 4 लाख मिला है, 1 लाख एक बार 9 लाख मिला है। और यदि बिहार सरकार यदि सख्त हो जाए एक बारी तो एक एक मजदूरों को एक एक व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जब ऊपर का ही चोर हो तो नीचे की तो बात ही क्या है। हमारे साथ थे अभी भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो।